रुद्रप्रयाग में 19 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार की देखरेख में केदारनाथ विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों की 7 पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो गई। इनमें जनपद का दूरस्थ और यूनिक बूथ गोंडार भी शामिल है। वहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में 3 से 6 किलोमीटर पैदल दूरी वाले क्षेत्रों की 7 पोलिंग टीमें रवाना हो गई हैं। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 07 केदारनाथ विधानसभा की आज 17 तारीख को 7 पार्टियां जानी थी जो दूरस्थ 3 से अधिक किलोमीटर पर थी, तो वो पार्टियां जो है मूव हुई हैं और उसमें सब में जो है हमने एक एक एक्स्ट्रा रिजर्व ईवीएम दे रखी है ताकि जो है दूरस्थ पार्टियां हैं और कोई ईवीएम यदि रिप्लेस की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें जो है भाग दौड़ ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े। और वहां के लिए हमने जो है स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए हैं आकस्मिक स्थिति के लिए, और आज शाम को पहुँच जाएंगी सकुशल। और वहाँ पर हमने बूथ की भी व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पर बिस्तरों की भी व्यवस्था कर रखी है ताकि पार्टियाँ जाएँ तो उन्हें जो है पूरा आराम मिले। और जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन था उसके तहत जो है हमने न्यूनतम सुविधाएं जो जैसे लाइट हो गई, विद्युत हो गई, रैंप हो गया, शौचालय हो गए, तो ये सारी व्यवस्था हमने कर रखी है जिससे कोई परेशानी ना हो।